मैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम हूँ और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की। हमारा ये हॉस्पिटल करीबन 25 साल पहले बना था। हम लोग क्लिनिशियंस थे और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों डॉक्टर्स हैं और हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे मेन बुलेवार्ड पर। वहाँ पर हमें जगह वो छोटी लगी, हमारी प्रैक्टिस बढ़ गई, हमने सोचा कि हम अपनी जगह लेके अस्पताल बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये जगह सेलेक्ट की। लेकिन जब बनाने लगे तो मेरे हस्बैंड की ये बहुत थी एक आदत कि वो जब एक ज़मीन लेते हैं तो फिर चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए, तो उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता मुझे कन्विंस कर करके उन्होंने इसको हॉस्पिटल की शक्ल दे के एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। अब हॉस्पिटल तो बन गया, बहुत अच्छा बना, बहुत खूबसूरत अस्पताल बना। हमने इसकी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कराई, निर्माता से बड़ी मेहनत की और तब हमें इससे बहुत नाम भी मिला। हमारा जो भी नाम है अल्लाह का शुक्र है जो हमें मिला है वो अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की वजह से मिला है, और वो मिला सिर्फ बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से नहीं मिला, वो मिला हमारी सर्विसेज से। हम कितना आगे होके मरीज को अटेंड करते थे और कितने हम ध्यान रखते थे मरीजों का, और हम बिल्कुल एक उनको घरेलू माहौल देते थे। यहाँ तक कि मैं जो उसकी सफाई में और उसके रोज़ उसके फूल चेंज होने और उसकी तस्वीरों में मैं खुद पर्सनली बहुत इन्वॉल्व होती थी ताकि उसको एक बड़ा अच्छा एक माहौल मिल जाए। लेकिन जब ये अस्पताल बना 25 साल पहले तो लाहौर में खासकर और पाकिस्तान में इन जनरल ऐसी प्रोफेशनल टीम ही नहीं थी जो हॉस्पिटल को चला सके। लाइक जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में एमएस होते हैं और जो हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो हॉस्पिटल के नो हाउ रखते हैं और फिर उसको चलाते हैं, उस वक़्त प्राइवेट सेक्टर में ये माइंडसेट ही नहीं था ऐसे लोगों का कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाके एमएस या एडमिनिस्ट्रेटर या इस तरह बने। तो ये हॉस्पिटैलिटी भी बाद में शुरू हुई है पाकिस्तान में, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज होते हैं वो भी बाद में शुरू हुई है। तो हमें उस वक़्त मुझे नॉट हमें बिकॉज मेरे हस्बैंड तो बहुत बिजी थे अपनी प्रैक्टिस में और अपनी गवर्नमेंट की जॉब में, तो ये बन तो गया हॉस्पिटल लेकिन फिर ये मेरे हवाले हो गया कि मैं इसको चलाऊँ। अब वो चलाना एक बहुत एक मरला बन गया मेरे लिए, वो इसलिए कि जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसे नहीं थे एक्सपर्टीज प्रोफेशनल लोग जो इसको चला सकें, तो आई हैड नो चॉइस बट अदर देन दिस कि मैं हॉस्पिटल की वसीनिटी में कहीं आ जाऊँ, किराए पे जगह ले लूँ और यहाँ पे बैठ के हॉस्पिटल को देखूँ और चलाऊँ 24 घंटे। एंड दिस इज व्हाट आई डिड विद माय किड्स, दे वर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। मेरी सबसे बड़ा बच्ची मेरी इस वक्त 5 साल की थी और उन सबको ले के मैंने अपना घर छोड़ के जो मेरा दूर पड़ता था यहाँ हॉस्पिटल से, मैं बिल्कुल इसके करीब मैंने एक जगह ली और वहाँ पर हॉस्पिटल के बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर 1 मिनट वॉक पर मैं आ गई। बिकॉज आई टुक अ चैलेंज कि अगर ये बनी गया है, मियाँ ने इतनी इस पर इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो कीन भी बहुत है टू सर्व पीपल, और वो थोड़ी सी मेरे में भी कीननेस है टू यू नो टू हेल्प माई हस्बैंड एंड ऑल्सो टू सर्व पीपल, तो देन माइट एज वेल डू द थिंग्स इन द राइट वे। वो जो कार्रवाई है ना वो भी मेरे से होती नहीं है। तो दिस इज हाउ वी हाउ आई एंडेड अप इन बिकमिंग द first the administrator and then the chief executive. I was promoted by my husband to become a chief executive and then I started managing this hospital. उससे ये हुआ कि patient satisfaction is first, हमारा मोटो ये है। हमने patient satisfaction सिर्फ ये words लिखे नहीं दीवार पर, हमने इसको actually implement किया। Patients were so satisfied that we got our name went up in you know in straight lines up. हमारा इतनी हमारी इन्फ्लक्स हुआ पेशेंट्स का। वी यूज टू गेट पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से, हमसे हमारे पास कराची से भी आते थे ट्रीट होने, हमारे सर पेशावर से भी आते थे और बाकी पंजाब तो खैर था ही। तो हम एक बिल्कुल एक ड्रेनेज टर्शियरी हॉस्पिटल बन गए। बहुत मेहनत थी उसमें लेकिन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स we kept this standard and we still try are struggling to keep the standard same standard. उसके बाद भी मशरूमिंग होगी हॉस्पिटल्स की। हमने एक आइडिया दिया पब्लिक को, पंजाब के लोगों को, कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे रन होता है। सो अभी तक लोग मुझे हमें
मुझे खासकर ट्रेंड सेटर कहते हैं कि यू आर द ट्रेंड सेटर. ट्रेंड हमने सेट किया. आई डोंट हैव आई मीन आई डोंट रिप्रेंट इट. इतनी मशरूमिंग हुई है, बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल भी बने हैं, लेकिन आई फील प्राउड टू आई बोस्ट अबाउट दैट आई वॉज द वन हु गेव दिस आइडिया. और सब मिलके अब एक सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को. और अभी लेटली जो हॉस्पिटल कमीशन वालों ने जो हमें परसेंटेजेस बताई हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे पाकिस्तान में हैं, दे केटर अबाउट 60% ऑफ द पेशेंट्स, एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े अस्पतालों के साथ बावजूद दे ओनली केटर अबाउट 40% ऑफ द पेशेंट्स. सो दैट मीन्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैव एक्चुअली ग्रोन वेरी वेल. और ये मेरा भी इसमें बहुत शेयर है. देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मेरा शेयर है, और भी बहुत बहुत अच्छे कराची में लोग थे, बाकी जगहों पे थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू गिव एन आइडिया टू द पब्लिक कि व्हाट अ प्राइवेट हॉस्पिटल कैन एक्चुअली डू फॉर देम. वी आर हमारे हॉस्पिटल जब हमने शुरू किया, उसके बाद जब डिवेलप हुआ ये इंटू डिफरेंट सेक्शंस, तो उसमें हम ट्रेंड सेटर सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं बने, हम ट्रेंड सेटर भी बने डिफरेंट तरीकों की ट्रीटमेंट में भी. वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की. हमारा लेप्रोस्कोपिक टीम गई थी मलेशिया, जहाँ पे हमने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, एंड वी आर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट लेप्रोस्कोपी इन अक्रम मेडिकल कॉम्प्लेक्स. वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने सीटी स्कैन प्राइवेट सेक्टर में लगाया. वी आर ट्रेंड सेटर्स इन मेनी थिंग्स. रेडियोलॉजी में हमने बहुत नाम बनाया और हमने लोगों को आइडिया दिया कि सीटी स्कैन प्राइवेटली कैसे लग सकता है. वी आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने प्राइवेट बाईपास किए, कार्डिक बाईपास, कैबेज तब कुछ सोच भी नहीं सकता था कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अलावा, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे तो उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ये स्टेप लेंगे. वी आर द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड दिस एंड फॉर ईयर्स वी डिड टेस्ट कैबेज. नाउ वी आर ऑल्सो इन टू रीनल ट्रांसप्लांट. तो ये जो ट्रेंड सेट होता है, ये एक बड़ा पॉजिटिव आई थिंक हमें जो एक नाम मिला है, एक बड़ा आई फील रियली नाइस अबाउट इट. एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट बिकॉज हम लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सो मैनी थिंग्स कैन बी डन. बिकॉज आई एम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एनी वे, सो ऑब्वियसली मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ. तो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी ब्रीफ अबाउट अक्रम. आजकल भी स्टिल वी आर वी हैव अ नेम, वी हैव अ गुड नेम, वी हैव सेम मोटिव, सेम मोटो, सेम पॉलिसी. हमारी वही पॉलिसी है कि पेशेंट इज़ फर्स्ट. हमारी वही पॉलिसी है कि पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट. एंड सो मैनी थिंग्स, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं स्टाफ की, वी मेक देम, वी बिलीव इन दैट एंड वी ट्रेन द स्टाफ ऑल्सो कि पेशेंट इज़, एंड वी ऑलवेज कीप द पेशेंट फर्स्ट.